think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel India Tire Company Ranchi. Hope you all are doing good. तो रोज़ एक नई नई इनोवेटिव वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ला रहा हूँ. थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट. एंड अभी के सेगमेंट में क्या है कि राइडिंग गेयर्स में राइडिंग जैकेट्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, स्पेशली बिगनिंग राइडिंग जैकेट्स, बिगनिंग रेंज के राइडिंग जैकेट्स. तो ऐसे में हर कंपनी अपना कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ निकाल रही है. एंड अभी वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है अराउंड 4-5 days बैक, वो है सोलेस की ये जैकेट. तो ये सोलेस की थ्रिफ्ट जैकेट है. अब ये दो कलर ऑप्शंस में आई है, आप एक देख सकते हैं कंप्लीट ब्लैक जैकेट है एंड एक कंप्लीट ब्लू जैकेट है. तो जैसे कि रैनॉक्स का साइफर जैकेट लॉन्च हुआ था, वो कम प्राइस रेंज में लेवल 2 आर्मर्स आपको प्रोवाइड कर रहा था, तो सेम आपको वही सेगमेंट को केटर करने के लिए अब सोलेस ने एक और बहुत बढ़िया जैकेट लॉन्च किया है, थ्रिफ्ट जैकेट. अब इसके बारे में मैं टोटल आपको डिटेल्स बताता हूँ क्या क्या इंक्लूडेड है एंड क्यों ये जैकेट आपको लेना चाहिए एंड किसको ये जैकेट ऑप्ट करना चाहिए. तो स्टार्टिंग में सबसे पहला कंसर्न जो लोगों का आता है प्राइस. तो रायनॉक्स की प्राइसिंग थी 4950, अब सोलेस ने और एक अच्छा लेवल अप कर दिया है एंड इसकी प्राइसिंग कर दी है 4899, मतलब रायनॉक्स से और 50 रुपये सस्ते ये जैकेट है. एंड सस्ता है तो क्वालिटी में ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ है, क्वालिटी इनफैक्ट उससे और प्रीमियम आपको प्रोवाइड की गई है. अब इसकी मैं डिटेल्स के बारे में आता हूँ. सबसे पहले तो आप लुक देख लीजिए जैकेट का, बेसिक मिनिमल डिज़ाइन में ऑल ब्लैक जैकेट है ये. सामने आपको कंप्लीट पूरा मेश मटेरियल मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लीट मेश है, यहाँ भी कंप्लीट मेश मटेरियल है दोनों आर्म्स में. एंड अगर बैक के साइड में आते हैं तो अगेन बैक में भी आपको पूरा मेश डिज़ाइन मिल जाता है. सेम ग्लोज विद द ब्लू कलर, ब्लू में भी आपको पूरा ही पूरा मेश जैकेट है आगे पीछे दोनों साइड. अब एक कंसर्न आती है जो फिटिंग की. फिटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेलक्रो एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं, पूरे अच्छे बड़े वेलक्रो एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं. ये आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा एडजस्टमेंट सिस्टम यहाँ मिल गया है, प्लस यहाँ पे भी आपको वेलक्रो एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं. उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ये 700D का मटेरियल है. जनरली जो जैकेट्स रहते हैं वो 600D में रहते हैं, तो ये 700D का मटेरियल है. तो एक अगर एडवांटेज बोलेंगे ओवर, अगर मैं इसको कंपैरिजन भी करूं, अगर रायनॉक्स से ही कंपेयर करूं साइफर जैकेट से, तो सबसे पहले तो एक उस पर 600D का मटेरियल है, इसमें 700D का मटेरियल है, तो ये एक थोड़ा और प्रीमियमनेस उसमें आपको प्रोवाइड कर देगा. अब बाहर में ही अगर रहते हैं हम तो दोनों साइड आपको जिपर्स मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं. एंड रिफ्लेक्टिव, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव लाइनिंग, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लाइनिंग, साइड में दोनों आर्म्स में, बैक में रिफ्लेक्टिव लाइनिंग, यहाँ सोलेस की ब्रांडिंग, ये भी रिफ्लेक्टिव है. तो ये ऑल इन ऑल रिफ्लेक्टिव जैकेट आपको है. डिज़ाइन एकदम बेसिक, एकदम मिनिमल रखा हुआ है कंपनी ने. एंड अब आ जाते हैं अंदर साइड प्रोटेक्शन की साइड. तो प्रोटेक्शन में जैसे रायनॉक्स में भी लेवल 2 आर्मर्स थे, इस पर भी लेवल 2 आर्मर्स है, उसमें सेरो के लेवल 2 आर्मर्स थे, इस पर आपको सेफ्टेक के लेवल 2 आर्मर्स हैं. तो शोल्डर एल्बो बैक इसमें लेवल 2 है. एंड इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर जो है वो भी आपको लेवल 1 चेस्ट प्रोटेक्टर मिल रहा है, जी हाँ. तो यहाँ पे सोलेस ने थोड़ा गेम अप किया है. नॉर्मली इस प्राइस रेंज में आपको चेस्ट प्रोटेक्टर मिलते ही नहीं हैं, एंड अगर मिलते भी हैं तो बेसिक हार्ड फोम मटेरियल के प्रोटेक्टर्स मिलते हैं, जैसे रायनॉक्स में भी फोम प्रोटेक्टर है. तो इसमें आप देख सकते हैं ये पावर टेक्टर का लेवल 1 प्रोटेक्टर है इस पर. तो ये अच्छे से, एक तो इसमें माइन्यूट होल्स भी रहते हैं ताकि वो वेंटिलेशन में भी काम करता है, एंड लेवल 1 का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है. तो शोल्डर एल्बो बैक लेवल 2 एंड चेस्ट लेवल 1, ये इसकी टोटल प्रोटेक्शन हो गई. तो अगर मैं कंपेयर करूँ रायनॉक्स से, तो
मैं राइनॉक्स से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि राइनॉक्स वॉज द बिगनिंग प्लेयर जिसने लेवल टू आर्मर्स प्रोवाइड किए उस प्राइस रेंज में, शोल्डर एल्बो बैक तीनों में, तो बार बार इसीलिए उससे कंपैरिजन आ रही है। तो एक तो राइनॉक्स से ये बेटर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें शोल्डर एल्बो बैक लेवल टू के अलावा चेस्ट में भी लेवल वन प्रोटेक्टर है, राइनॉक्स में चेस्ट में फोम प्रोटेक्टर है जो कि अपग्रेडेबल है बट लगा के फोम प्रोटेक्टर आता है। अब प्राइजिंग इसकी क्यों कम हुई है, तो एक जो डीमेरिट बोलें या एक जो अब ऑब्वियसली चेस्ट प्रोटेक्टर भी दिया है तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसमें जो बैक प्रोटेक्टर है वो आप देख सकते हैं शेप में आपको थोड़ा साइज़ में छोटा लग रहा होगा, तो हाँ ये साइजिंग वाइज प्रोटेक्शन जो रहती है वो आर्मर्स जो बैक प्रोटेक्टर रहते हैं उसमें थोड़े बड़े बड़े भी आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा छोटा आर्मर है, बाकी प्रोटेक्शन लेवल टू की ही है। तो शोल्डर एल्बो बैक लेवल टू चेस्ट लेवल वन, ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया जैकेट है। एंड एक और इंटरनल पॉकेट भी आपको यहाँ मिल जाती है, तो दो पॉकेट बाहर में एंड एक इंटरनल जिपर पॉकेट अंदर में। एंड यहाँ पे भी आप एक जिपर देख सकते हैं, ये आपको पैंट कनेक्शन के लिए जिप आ जाती है, तो ये भी आपको यहाँ मिल जाती है। इस पर आप बेसिक राइडिंग पैंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, बी एट एनी ब्रांड, जैसे मेजर चार पांच ब्रांड, बी एट सोलेस, बी एट राइनॉक्स, बी एट स्काला, सबके पैंट्स इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि कंपनीज़ भी ये समझ रही हैं कि अब राइडिंग पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड काफ़ी लोग एंड पॉपुलेशन वाइज इंक्रीज़ हो रही है राइडर्स की, एंड हर कोई सेफ्टी लेन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है एंड कुछ ना कुछ सेफ्टी गेज लेना चाह रहा है। तो उस केस में क्या है कि बजट फ्रेंडली जैकेट्स अभी काफ़ी डिमांड में चल रहे हैं एंड सब लोगों को मन में आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव जैकेट लूँ। तो जैसे कोडा का मैंने एक प्रोटेक्टिव जैकेट का वीडियो बनाया जो कि एकदम कम बजट रेंज में था, राइनॉक्स की साइफर जैकेट हो गई, तो ये अभी लास्ट वीक ही लॉन्च हुई है तो इसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस अभी मिलने वाला है, इसलिए हमें लग रहा है पॉजिटिव रिस्पांस क्योंकि इस प्राइस रेंज में विथ लेवल वन चेस्ट प्रोटेक्टर कोई जैकेट है ही नहीं अभी तक, जो भी प्राइस रेंज में है सब 5K प्लस है। कोडा भी जैसे आता है तो विथ चेस्ट प्रोटेक्टर 5800 चल जाता है, उसमें भी लेवल वन चेस्ट प्रोटेक्टर है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो अंडर 5K में 4900 की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट जैकेट्स होने वाली है ये, विथ लेवल वन चेस्ट प्रोटेक्टर एंड लेवल टू शोल्डर एल्बो बैक में आर्मर्स। हाँ, डिज़ाइन एंड कलर कंपनी ने बहुत बेसिक रखने की कोशिश की है ताकि वो सबको पसंद आए, एक बेसिक ब्लैक जैकेट रहता है वो सबको पसंद आता है, तो इसलिए उन्होंने बेसिक ब्लैक में लॉन्च किया है एंड एक अगर हल्का कलर में ट्विस्ट दें तो एक ब्लू कलर किया है। अब ब्लू भी अगर आप देखेंगे तो वैसा नहीं है कि बहुत अलग टाइप का ब्लू है, बहुत बेसिक ब्लू है एंड पहने हुए में अच्छा ही लगेगा ये ब्लू कलर भी। जिनको लगता है कि ब्लैक थोड़ा ओवर हाइप जैकेट हो जाता है कि कंप्लीट ब्लैक में अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये कंप्लीट ब्लू में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी अगर छोटी और माइन्यूट डिटेल में बात करूँ तो आप नेक के साइड पे देख सकते हैं, ये आपको नियोफोम फैब्रिक जो रहता है पतला सा सॉफ्ट फैब्रिक वो है इस पे कवर किया हुआ है पूरा, तो वो भी आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है एंड हार्ड फीलिंग नहीं देता है आपके नेक एरिया पे। तो जैकेट काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी रखी हुई है एंड इस प्राइस रेंज में जैसे मैंने पहले भी बोला विथ लेवल वन चेस्ट प्रोटेक्टर कोई जैकेट है ही नहीं, तो आप ज़रूर इसे ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी चैनल का पेज वहाँ आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साइजेस इसमें स्मॉल से लेकर 2XL तक अभी अवेलेबल है कंपनी के पास, तो अगर आपको क्वेरीज है, आपको डिलीवरीज चाहिए हैं, साइज चार्ट कंपनी के आपको पोर्टल पर दिख जाएगा, या अगर आपको साइज चार्ट के बेसिस पर लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको साइज चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देंगे। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपको पता है क्या करना है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आई विल बी बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू।